हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी इजी डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग को लेकर। बीएमएस बीएचएमएस की जो काउंसलिंग है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो नीट 2018 के अपडेट्स है वो बीडीएस और एमबीबीएस को लेकर ही आ रही हैं, बीएमएस और बीएचएमएस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो आयुष डिपार्टमेंट है उनकी काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, इसकी डेट्स क्या रहेंगी, कौन इसको कंडक्ट कराएगा, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, दूसरे स्टेट में आप काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जो नीट 2018 है उसका अभी डिसीजन आया है सेकेंड काउंसलिंग का, उसकी प्रोसीजर भी शुरू हो गई, लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा है बीएमएस बीएचएमएस और जो आयुष कोर्सेस है उनकी, लेकिन जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो बीएमएस बीएचएमएस और जो आयुष कोर्सेस हैं उनकी काउंसलिंग को लेकर। तो चलिए इसी की बात करते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो बीएमएस बीएचएमएस की नहीं होगी, वो सिर्फ स्टेट अथॉरिटी ही कंडक्ट कराएंगी। तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ऑल इंडिया कोटा की कोई काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगी। जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अथॉरिटी दे दी है काउंसलिंग कराने की, तो जो काउंसलिंग है वो अब स्टेट अथॉरिटीज़ ही कंडक्ट कराएंगी। तो ये क्लियर हो गया है कि जो काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स कराएंगी। अब स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कौन इनको कंडक्ट कराएगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट है वो इसको कंडक्ट करा सकता है, मेडिकल काउंसिल जो है स्टेट की वो करा सकते हैं, या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनको कंडक्ट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट के बारे में, कहाँ आपको अपडेट्स मिलेगी। तो इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है जहाँ पर आपको आयुष डिपार्टमेंट की सारी जानकारी मिल जाए। तो इसकी जानकारी के लिए आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, पहले उस स्टेट की काउंसलिंग कौन कंडक्ट करा रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया जो जो कंडक्ट कराएंगे वो आपको पता करना है। जैसे ही हमको अथॉरिटी पता लगेगी कि कौन कंडक्ट करा रहा है, फिर उनकी वेबसाइट में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं डेट्स की। तो डेट्स भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट इनको कंडक्ट करा रही हैं, तो सभी स्टेट की डेट्स अलग अलग होंगी, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ स्टेट्स में अभी चल भी रही है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी हम डेट्स की बात कर रहे हैं, तो जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक ये काउंसलिंग चलने वाली है। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और नीट क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आपको काउंसलिंग अटेंड करना ज़रूरी है, बिना काउंसलिंग अटेंड किए आपको सीट अलॉट नहीं होंगी। आपको इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, जो आपकी स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएमएस के बीएचएमएस के यूनानी मेडिसिन के, वहाँ पर जाकर आप पर्सनली पता भी करते रहें, अपडेट रहें इस चीज़ों से। अभी तक की जानकारी से आपको एक ये आइडिया लग गया है कि ऑल इंडिया कोटा से इसकी सीट फिल नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट इनको कंडक्ट कराएंगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न है कि वो दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल आप दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टेट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको जानकारी लेनी होगी कि उन्होंने उस स्टेट का डोमिसाइल वहाँ पर मांगा है या नहीं मांगा है। अगर उन्होंने उस स्टेट का डोमिसाइल कंपलसरी नहीं किया है तो बिल्कुल आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आयुष डिपार्टमेंट की काउंसलिंग कैसे होगी, थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किन स्टेट्स में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और किन स्टेट्स में स्टार्ट होने वाली है, उनकी वेबसाइट भी बताएंगे जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, और इस पूरी प्रोसीजर को लेकर अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।